जो मैंने ये वीडियो बनाया है ना, ये मेरा 100वां वीडियो है। ये बनाने के लिए मुझे 5 साल लगे है। 5 सालों की कड़ी मेहनतों के बाद मैंने 100 वीडियो बनाए। इसलिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा चैनल ऑल वायरल हो जाए और मैं आपको और अच्छी अच्छी नई नई वीडियो बनाकर दिखाऊं। देखिए, मैंगो, देखिए अब इस पर मैंगो की स्पेलिंग है। एरोप्लेन, देखिए एरोप्लेन की स्पेलिंग आ गई एलसीडी डिस्प्ले पर। एप्पल, देखिए एप्पल की स्पेलिंग आ गई एलसीडी डिस्प्ले पर। मेरा नाम आशीष प्रदीप खोत, मैं बारसी में रहता हूँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट सोलापुर है। आज मैं आपको ब्लूटूथ वायरलेस नोटिस बोर्ड बनाकर दिखाने वाला हूँ। देखिए, इसके लिए हमें चाहिए ये आर्डिनो ओनो बोर्ड। देखिए ये आर्डिनो ओनो बोर्ड है, इससे हम ये प्रोजेक्ट बनाने वाले है। उसके बाद ये SC05 ब्लूटूथ मॉडल, देखिए ये अपने मोबाइल से कनेक्ट होता है और चलता है। उसके बाद ये ब्रेड बोर्ड, देखिए उसके बाद ये LCD डिस्प्ले 16:2 LCD डिस्प्ले, देखिए और 1K रजिस्टर, देखिए ये बड़ा वाला रजिस्टर है, इसको मैंने छोटा किया है ऐसे, देखिए ताकि हम इसे ब्रेड बोर्ड पर लगाएंगे। इसलिए अब हम आर्डिनो ओनो में ब्लूटूथ वायरलेस नोटिस बोर्ड का कोड अपलोड करेंगे। देखिए, जैसे हमारी भाषा होती है हिंदी इंग्लिश, वैसे एक आर्डिनो की भाषा होती है, इसे हम कोडिंग बोलते हैं। देखिए ये इसकी कोडिंग भाषा है, इसमें इसके अंदर इसको बताना पड़ता है कि इसे कैसे कैसे काम करना है। देखिए ये कोड है, कोड को सबसे पहले कंपाइल करना है। देखिए कंपाइल फिनिश हो गए, देखिए उसके बाद डाउनलोड बटन दबा के ओके करना है। अब आर्डिनो में कोड डाउनलोड हो गया, देखिए आर्डिनो में कोड डाउनलोड हो गया। ये है आर्डिनो ड्रॉइड एप्लीकेशन, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऐसा कोड है ब्लूटूथ वायरलेस नोटिस बोर्ड को चलाने का। अब हम ब्लूटूथ मॉडल का कनेक्शन करेंगे आर्डिनो से। देखिए हमें सबसे पहले 5 वोल्ट लेंगे हम इससे, देखिए ये 5 वोल्ट की पिन है, इसे हमें ब्रेड बोर्ड 5 वोल्ट में लगा देंगे हम यहाँ पर। देखिए देखिए ग्राउंड में, उसके बाद ब्लूटूथ में पर लगाएंगे। उसके बाद मेल फीमेल वाले वायर लगाएंगे, इसके हम सिर्फ 4 पिन ही काम में लेंगे। ब्लूटूथ मॉडल के RXD पिन को हमें डिजिटल 3 में लगा देंगे हम इसे। देखिए यहाँ पर डिजिटल 3 में लगाएंगे हम RXD पिन को, और ब्लूटूथ मॉडल की TXD पिन को हम डिजिटल 2 में लगाएंगे, देखिए यहाँ पर। और इसकी ग्राउंड पिन को, देखिए इसकी ग्राउंड वायर को हम ग्राउंड में लगाएंगे, देखिए यहाँ पर ग्राउंड, और इस पॉजिटिव को पॉजिटिव में लगाएंगे। अब इस ब्लूटूथ मॉडल का कनेक्शन हो गया आर्डिनो ओनो से। अब हम LCD का कनेक्शन करेंगे आर्डिनो ओनो से। देखिए 1K का रजिस्टर लेंगे हम, और यहाँ से ग्राउंड, यहाँ से हम इस पर ऐसे लगाएंगे 1K रजिस्टर को, देखिए ऐसे ये ग्राउंड को। उसके बाद हम इस LCD की 1 नंबर पिन यानी VSS पिन को हम LCD रजिस्टर के इस लेग पर लगाएंगे। उसके बाद इसकी 3 नंबर पिन को, VO पिन को भी हम यहाँ पर लगाएंगे, ताकि इसकी ब्राइटनेस कम हो LCD की, और इसके अंदर जो कॉलम होते हैं ना, उसकी ब्राइटनेस कम होती है, इसलिए ये जरूरी है। उसके बाद 2 नंबर पिन है ना इसकी, ये इसकी VCC पिन है, इसे हमें 5 वोल्ट में लगाएंगे हम, देखिए 5 वोल्ट में। अब हम LCD की RS पिन को डिजिटल 4 में लगाएंगे आर्डिनो की, देखिए डिजिटल 4 में, और ये इसकी RW पिन को हमें ग्राउंड में लगा देना है, ये इसकी ग्राउंड पिन है, ग्राउंड में लगाएंगे, और ये इसकी इनेबल पिन मतलब ई पिन, इसको हमें डिजिटल 5 में लगाएंगे हम, देखिए। उसके बाद हमें इसमें 4 से लेकर 7 तक डिजिटल पिन होते हैं, 0 से लेकर, इसमें से सिर्फ हमें 4, 5, 6 और 7 ही काम में लेने हैं। देखिए ये इसकी 4 पिन डिजिटल, इसको हमें डिजिटल 6 में लगाना है, देखिए। उसके बाद LCD की डिजिटल 5 पिन को हमें डिजिटल 7 में लगाएंगे आर्डिनो की। उसके बाद LCD की 6 डिजिटल पिन को 8 में लगाएंगे हम, 8 डिजिटल में आर्डिनो की। उसके बाद इसकी 7 डिजिटल को हम 9 में लगाएंगे,
देखिए, और ये इसकी के पिन, इसको हमें आर्डिनो की पावर पिन 3.3 में लगाना है ताकि इसकी ब्राइटनेस और कम हो और ये इसमें से स्पेलिंग अच्छे से दिखे इसलिए। और ये इसकी ग्राउंड पिन, इसे हम ग्राउंड में लगाएंगे। अब ये कनेक्शन पूरा है, देखिए। अब ये ब्लूटूथ वायरलेस नोटिस बोर्ड तैयार है, देखिए। ये वायरलेस ब्लूटूथ नोटिस बोर्ड पूरा हो गया है, देखिए कैसे दिखता है। देखिए ये मोबाइल है, इसे सब सप्लाई आता है आर्डिनो को, देखिए ओटीजी से। देखिए के लाइट लगते है आर्डिनो की, देखिए आर्डिनो ओनो बोर्ड है, देखिए। और ये है एलसीडी डिस्प्ले, इस पर जो हम इसको एसी में डालते हैं वो इस पर दिखता है, देखिए। ये एलसीडी डिस्प्ले है और ये SC05 ब्लूटूथ मॉडल, देखिए। ये अपने मोबाइल से चलता है ब्लूटूथ, इसका इस्तेमाल स्कूल में भी कर सकते हैं, शॉप पर भी कर सकते हैं, बार बार लगाने की जरूरत नहीं है बोर्ड, दुकान खुल गई दुकान बंद हो गई ऐसा। और अपना रेट भी लिख सकते हैं आप बेकरी में, केक की प्राइस, बिस्किट की प्राइस आप लिख सकते हैं। न्यूज चैनल में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है और बच्चों को पढ़ा सकते हैं, टीचर स्कूल में नोटिस बोर्ड पर नोटिस लिख सकते हैं। देखिए ब्लूटूथ वायरलेस नोटिस बोर्ड अब पूरा हो गया है, देखिए कैसे दिखता है। देखिए इसे मोबाइल से सप्लाई आता है, देखिए यहाँ पर LCD डिस्प्ले है, इस पर दिखता है। हम जो ब्लूटूथ से इसको SMS देते हैं वो यहाँ पर दिखता है LCD डिस्प्ले पर। और ये आर्डिनो ओनो, इससे मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है, देखिए आर्डिनो ओनो बोर्ड है, देखिए। ये SC05 ब्लूटूथ मॉडल, देखिए ये मोबाइल के ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है, देखिए। ये मोबाइल है, सबसे पहले मोबाइल पे आर्डिनो ऑटोमेशन ऐप डाउनलोड करना है, देखिए इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए सबसे पहले हमें अपने मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन करना है, देखिए। देखिए यहाँ पर SC05 कनेक्टेड है, देखिए SC05, देखिए। उसके बाद इस पर जाना है ऐप पर, उसके बाद इसका वॉइस से भी SMS दे सकते हैं और लिख कर भी दे सकते हैं। हम इसे वॉइस से SMS देंगे, इसे सबसे पहले इसे कनेक्ट करना है, देखिए SC05, देखिए अब कनेक्ट हो गए, देखिए। देखो मैं बोलता हूँ इस पर तो टाइप होता है, इस LCD पर दिखता है, देखिए अभी इसमें नो डाटा आ रहा है, मतलब हमने इसे कोई अभी SMS नहीं दिया है, देखिए मैं इसे SMS देता हूँ। इसका इस्तेमाल आप स्कूल में कर सकते हैं, टीचर लोगों को बोर्ड पर बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, वो अपने मोबाइल से कंट्रोल कर सकते है, एडवर्टाइज भी कर सकते है, इससे न्यूज भी दे सकते है आप इससे। देखिए मैंगो, देखिए अब इस पर मैंगो की स्पेलिंग आ गई, इसे बच्चे स्कूल में टीचर बच्चों को पढ़ा सकते हैं। देखिए अब मैं फिर से लिखता हूँ, बोलता हूँ इस ऐप में, देखिए एरोप्लेन, देखिए एरोप्लेन की स्पेलिंग आ गई LCD डिस्प्ले पर, देखिए कैसे लिखती है। फिर से देखिए एलिफेंट, देखिए अब इस पर एलिफेंट की स्पेलिंग आ गई LCD डिस्प्ले पर, देखिए। मैं इस पर दूसरा SMS डालता हूँ, अब हम इसमें SMS लिख कर देखेंगे, देखिए अब हमें इस पर जाना है SMS पर, देखिए इस पर हम SMS लिखेंगे, इसलिए सबसे पहले इसे करेक्ट करना है। अब हम इसे टाइप करके SMS देंगे, देखिए मैं इस पर अब टाइप करता हूँ, देखिए CAR, देखिए कार की स्पेलिंग आएगी इस पर, आप देखिए कार की स्पेलिंग आ गई, देखिए CAR कार की स्पेलिंग आ गई। अब फिर से देखिए, हाय, देखिए अब इस पर हाय की स्पेलिंग आएगी, देखिए हाय, देखिए हाय की स्पेलिंग आ गई। इंग्लिश, देखिए अब इस पर इंग्लिश की स्पेलिंग आ गई, देखिए देखिए इंग्लिश। हिंदी, देखिए इस पर हिंदी लैंग्वेज आ गई, देखिए स्पेलिंग आ गई हिंदी। बायोलॉजी, देखिए बायोलॉजी की स्पेलिंग आ गई इस पर, आप LCD डिस्प्ले पर। मैथमेटिक्स, देखिए मैथमेटिक्स स्पेलिंग आ गई LCD डिस्प्ले पर, देखिए। साइंस,
देखिए विस्पर साइंस की स्पेलिंग आ गई, देखिए सकते है क्लास कौन सी है, साइंस, इंग्लिश, मैथ, बायोलॉजी या और कुछ भी। देखिए साइंस स्टूडेंट्स, देखिए साइंस स्टूडेंट्स स्पेलिंग आ गई इस पर, देखिए साइंस स्टूडेंट्स। अब यहां से स्पेलिंग जाएगी और वहां से आएगी, देखिए जैसे न्यूज में होता है, देखिए